पुरानी पेंशन बहाली के लिए आज प्रदेश की चारों संसदीय सीटों पर एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने प्रदर्शन किया और आज से क्रमिक अनशन भी शुरू हो गया है। इसके अलावा आज लंच ब्रेक के दौरान सभी कर्मचारियों ने गेट मीटिंग भी की। एक लंबे समय से लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने चुनावों से पूर्व उनकी मांग पूरी न होने पर प्रदेश सरकार को चुनाव के दौरान खामियाजा भुगतने की चेतावनी दी है। 13 अगस्त को हम लोगों ने यहाँ पर पेंशन अधिकार रैली की थी और उस दिन हमने मुख्यमंत्री महोदय को अपना जो प्रेजेंटेशन था वो सौंपा था। उस दिन यह निर्णय लिया गया था कि हम लोग जब तक हमें पुरानी पेंशन हमारी बहाल नहीं होती है तब तक हम हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में ही डटे रहेंगे और यहीं पर हम जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती तब तक क्रमिक अनशन करेंगे। उसी क्रमिक अनशन के संदर्भ में आज 20वां दिन है और आज से पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर ये इसको हम संसदीय क्षेत्रों में भी लेके गए हैं और आज 4 संसदीय क्षेत्रों में हमारे कर्मचारी बैठे हैं और उसी के संदर्भ में आज हमारे यहां पर जिला सोलन के अध्यक्ष हमारे साथ अशोक जी बैठे हैं, हमारे साथ जगदीश परमार जी जो हैं वो बैठे हैं सिरमौर से और घनश्याम जी हमारे राज्य कार्यकारिणी में हमारे साथी हैं वो हमारे साथ यहां पर आज बैठे हैं जी। अगर बात करें संसदीय क्षेत्र भी कौन कौन से जगह पर आज जी, आज हमारा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में हमारे साथी बैठे हैं, हमारे मंडी संसदीय क्षेत्र में हमारे साथी बैठे हैं, शिमला में हम लोग खुद यहां पर बैठे हैं और इसके अलावा हमारा धर्मशाला कांगड़ा में हमारे साथी बैठे हैं। देखिए हम लोगों ने सरकार से बार बार एक ही बात कही है कि हम जो यहां पर बैठे हैं वो सिर्फ पुरानी पेंशन बहाली के लिए बैठे हैं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, हमें सिर्फ मतलब है अपनी पुरानी पेंशन से और उसी के लिए हमने क्रमिक अनशन, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय हमेशा कहते हैं कि आप आएंगे शालीनता से अपनी बात को रखेंगे तो हम आपको अवश्य सुनेंगे, तो हम उसी शालीनता का उदाहरण देते हुए यहां पर क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। हमारे हर जिले से साथी यहां पर पहुंच रहे हैं और उसका हिस्सा बन रहे हैं। अब इसको हमने संसदीय क्षेत्र में लेकर गए हैं, इसको हम लगातार जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तब तक हम इसी तरह इसको जारी रखेंगे, इस क्रमिक अनशन को जारी रखेंगे पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। और ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल।